हे गाइस, मैं हूं सत्य। तो अभी हमारे कंट्री के द यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को यानी कि 2022 सितंबर 21 तारीख के दिन ये अनाउंसमेंट कर दिए कि जो कंपनी हमारे इंडिया में सोलर सेल को लेकर जो सोलर पैनल को मैन्युफैक्चरिंग करता है उस कंपनी के लिए 19,500 करोड़ रुपीज का एक PLI प्लान रखा गया है। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि ये PLI प्लान आखिरकार है क्या और इंडिया ये सोलर पैनल को बनाने का रीजन क्या है और ये भी बात करेंगे कि ये सोलर सेल को लेकर इंडिया के पास क्या क्या प्लान्स है। तो वीडियो को मिस मत करना, पूरी एंड तक देखना। और उससे पहले अगर तुम मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना विद बेल आइकन को प्रेस कर। तो बिना पॉल्यूशन को फैला के इलेक्ट्रिसिटी को निकाले, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि ये PLI प्लान आखिरकार है क्या। व्हाट इज PLI? तो PLI का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो होगा क्या इस प्लान में ना, इंडिया के अंदर जो कंपनी सोलर सेल की सोलर पैनल्स को बनाएगा उस कंपनी को 19,500 करोड़ रुपीज का एक इंसेंटिव दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर सवाल आता है कि ये सोलर पैनल्स को इंडिया किस लिए बनाना चाहता है। तो होता क्या है ना, इन सोलर पैनल्स को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती थी इंडिया को। इसके वजह से इंडिया इस रॉ मटेरियल को दूसरे कंट्री से इनपुट करता था। उन रॉ मटेरियल से जैसे कि एक हो गया सिलिकॉन और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स है, लेकिन हम इस सिलिकॉन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल्स है। ये सिलिकॉन चाइना से इंडिया इनपुट करता है और जर्मनी और नेदरलैंड और एशिया इन सभी कंट्री से इंडिया इस सिलिकॉन को इनपुट करता है क्योंकि इन सोलर पैनल्स को बनाने के लिए सिलिकॉन बहुत ही जरूरत है। तो यहाँ पर सिलिकॉन को दूसरे देशों से लाने के लिए इंडिया को उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। तो इंडिया कैसे उनके ऊपर डिपेंड ना हो सके, इसके वजह से ये सोलर पैनल्स की जो रॉ मटेरियल्स है उन सबको इंडिया खुद बनाना चाहता है। और ये जो रॉ मटेरियल हो गए इन सबको इंडिया में बनाने से करीब 1.37 ट्रिलियन रुपीज सेव हो सकता है। तो इसलिए इंडिया सोलर पैनल्स की रॉ मटेरियल्स को बना सके इंडिया में, उसके वजह से ये PLI प्लान को लॉन्च किया गया है। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ पर सवाल आता है कि इंडिया इन सोलर पैनल्स की जो रॉ मटेरियल्स को इंडिया में बनाएगा तो सोलर पैनल्स को बनाने का क्या जरूरत है। तो देखो इंडिया अभी रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो इस रिन्यूएबल एनर्जी में होता क्या है ना, होता ये ना इससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी आता है तो इन एनर्जी से पॉल्यूशन नहीं फैलता है। तो अभी करंटली सिचुएशन में कोयला को जला के इलेक्ट्रिसिटी को निकाला जाता है जिसके वजह से कोयला को जलाने के वजह से यहाँ पर ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है हमारे एनवायरमेंटल में। तो ये पॉल्यूशन कैसे ना फैले इसके वजह से इंडिया इन रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा ध्यान दे रहा है कि कैसे सोलर पैनल्स को मदद से इन सूर्य की किरणों को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सके, इसलिए इंडिया अभी इन सोलर पैनल्स को बनाना चाहता है। यहाँ तक क्लियर हो गए? तो अभी बात करते हैं इन सोलर सेल्स को लेके इंडिया के पास क्या क्या प्लान्स है और आगे क्या क्या प्रोजेक्ट निकालने वाला है। तो इंडिया कैसे 2030 तक सभी शहर सभी सिटी में इन सोलर एनर्जी को भेज सके इसके ऊपर प्लानिंग चल रहा है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे तो इंडिया के पास सोलर पावर को निकालने के लिए 10 सोलर पावर पार्क है, जैसे कि हमारे आंध्र प्रदेश में 4 सोलर पार्क है, कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क हो गया और अंतपुरम 2 हो गया, गालभेदू सोलर पार्क और NP कुंटा, और मध्य प्रदेश में 2 पार्क है, पहला की रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क और दूसरा की मंडसौर सोलर फार्म, और राजस्थान में बादल सोलर पार्क और कर्नाटक में फगावाड़ सोलर पार्क और गुजरात में चारणा का सोलर पार्क और तमिलनाडु में कामोती सोलर पार्क। तो इन सभी जगह में सोलर पार्क है जिनमें से सोलर एनर्जी को निकाला जाता है। और अभी प्लानिंग चल रहा है कि कैसे ओडिशा में एक सोलर पार्क को क्रिएट किया जा सके और फिर गुजरात में और एक सोलर पार्क को भी क्रिएट किया जाएगा। इन दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर अभी प्लानिंग चल रहा है। तो कैसे सभी स्टेट में 2030 तक कैसे सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी मिल सके इसके ऊपर अभी ये सब प्लानिंग चल रहा है। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो इन सोलर सेल को लेकर कि कैसे इंडिया सोलर पैनल्स को इंडिया में बनाने के लिए ये PLI प्लान को निकाला है। तो वीडियो में सोलर एनर्जी को लेकर जानकारी कैसा लगा कमेंट में बताना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सेव वाटर। जय हिंद, जय भारत।